हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज क्लास 12th केमिस्ट्री का ही तो दिन, आज पांचवा दिन है। आज हम लोग बात करेंगे, मैं आपको तो हेनरी के नियम के बारे में बताऊंगा, ठीक है? हेनरी का नियम बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको राउल्ट का नियम बताऊंगा, ठीक है? और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताऊंगा जिन पे आधारित आंकिक प्रश्न आपको करने होंगे, ठीक है? तो हेनरी के नियम की बात करते हैं। हेनरी के नियम को समझने से पहले कुछ अवधारणात्मक चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। क्या, जैसे मैं बात करना चाहता हूं आपसे, द्रव और गैस में डिफरेंस क्या है? भाई, द्रव और गैस में सिंपल डिफरेंस है कि अगर पदार्थ के अणु अत्यधिक दूरी पर हैं, ठीक है, बहुत दूर दूर हैं, बहुत पास पास आ गए, अगर पदार्थ के अणु बहुत पास पास आ गए, क्लोज आ गए, एक वैसे बहुत सारे इसमें कई चीजों को कंसिडर किया जाता है, मैं केवल अणुओं की स्थिति की बात कर रहा हूं। अगर पदार्थ के जो अणु है बहुत बहुत नजदीक नजदीक हो गए, तो इस प्रकार की द्रव्य की यह अवस्था ठोस अवस्था कहलाती है, ठीक है? अगर ये अणु, मैं इन्हें ऊर्जा दे दूं और ये अणु क्या होंगे, थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे। अगर ये अणु थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह से हो गए, इनके बीच में स्पेस बन गया, तो यह अवस्था कहलाती है द्रव अवस्था। तो द्रव्य की तीन अवस्थाएं, ठोस और द्रव, और ऊर्जा दे दी जाए, इनके बीच का आकर्षण बल समाप्त हो जाएगा, समस्त अणु अत्यधिक दूर दूर हो जाएंगे, और यह अवस्था कहलाती है द्रव्य की गैस अवस्था। सिंपल सी बात यह है कि द्रव और गैस में अंतर सिर्फ कितना है भाई? अंतर सिर्फ काय का है? अंतर सिर्फ है अणुओं की स्थिति का। अगर गैस के अणुओं को कंप्रेस करके, मतलब दाब को बढ़ाकर कंप्रेस करके मैं पास पास ले आऊं, अगर ये अणु पास पास आ गए, तो ये वाली अवस्था इस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है? अगर मैंने दाब बढ़ा दिया और ये अणु पास पास आ गए, तो ये अवस्था कुछ ऐसी हो जाएगी, यानी कि गैस का अणु बदल गया द्रव में। फिर समझो, अगर यहां दाब को कम कर दिया जाए, दाब को कम करेंगे तो क्या होगा, अणु थोड़ा दूर दूर जाने शुरू हो जाएंगे, मतलब ये अवस्था कुछ ऐसी दिखेगी, द्रव अवस्था काय में बदल जाएगी गैस में। दोनों अवस्थाएं इंटर कन्वर्टिबल है, एक दूसरे में परिवर्तनीय है, ठीक? मैं इसका एक व्यवहारिक उदाहरण बताता हूं आपको। व्यवहारिक उदाहरण यह है कि घर में जो हम रसोई गैस में सिलेंडर यूज करते हैं, ठीक है, भारत, इंडियन, जो भी, वट एवर यू यूज, तो जो सिलेंडर घर के अंदर हम यूज करते हैं, कभी आप उस सिलेंडर को थोड़ा सा हिला के देखिए। जब आप इस सिलेंडर को हिलाकर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा इसके अंदर पानी ऐसा भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? द्रव भरा हुआ है, ठीक? लेकिन जैसे आप रेगुलेटर की ये पिन नोब खोलोगे, तो बाहर क्या द्रव निकलता है, बाहर गैस निकलती है। अब समझ लो कि सिलेंडर के अंदर है तो क्या है, द्रव है, लेकिन रेगुलेटर खोलने पर बाहर क्या आ रहा है, गैस आ रही है। क्या मतलब? अंदर दाब बहुत ज्यादा है और दाब अधिक होने के कारण अणु बहुत पास पास आ गए हैं, अर्थात पदार्थ किस अवस्था में आ गया, द्रव अवस्था में आ गया। जैसे ही रेगुलेटर की नोब हमने खोली, क्या हुआ, अणु दूर दूर जाने लगे। अणु दूर दूर जाने का मतलब क्या है कि जो द्रव था वो कहां बदल गया, गैस में, ठीक है? तो दाब बढ़ाकर, अगर दाब बढ़ाएंगे तो अणु पास पास आएंगे, गैस बदल जाएगी द्रव में, दाब घटाएंगे, रेगुलेटर खोलेंगे, दाब घटेगा तो द्रव कायम बदल जाएगा गैस में, ठीक है? ये दोबारा थोड़ी सी बात थी। अब मैं शुरू करता हूं हेनरी का नियम। ये काय से संबंधित है भैया? ये कोई बर्तन है और बर्तन के अंदर कोई द्रव भरा हुआ है और ऊपर इसके अंदर ये गैस भरी हुई है, ठीक है? नीचे द्रव, ऊपर क्या है, गैस है। अब इसके साथ में चलो इमेजिन कर लेते हैं कि एक पिस्टन लगी हुई है, ठीक है, इस तरह मान ये पिस्टन है। अगर मैं पिस्टन को ऊपर से, ये सिलेंडर है, ये इस तरह जो आप देख रहे हो ये कोई एक सिलेंडर है पूरा मान सकते हैं आप इसे, और ये पिस्टन है। अब मैं अगर पिस्टन को दबाऊंगा, दाब बढ़ेगा, अणु क्या होंगे, पास पास आएंगे, दाब बढ़ेगा।
पिस्टन को ऊपर शिफ्ट कर दिया, दाब घट जाएगा। तो यहां पर ये वर्तमान स्थिति में क्या है, साम्यावस्था है। साम्यावस्था समझते हो कि दाब बढ़ने से ही जो गैस के अणु है वो काय में बदल रहे हैं, द्रव में। दाब बढ़ने पर गैस के अणु काय में बदल रहे हैं, द्रव में। दाब घटने पर क्या होगा, ये जो द्रव के अणु है वो काय में बदलेंगे दोबारा से गैस में। क्लियर होनी चाहिए ये बात कि दाब अगर बढ़ेगा तो गैस काय में बदलेगी, द्रव में। दाब घटेगा मतलब पिस्टन ऊपर उठाएंगे, दाब घटेगा तो द्रव काय में बदल जाएगा, गैस में। तो एक अवस्था ऐसी होगी कि प्रति सेकंड गैस के जितने अणु द्रव में परिवर्तित हो रहे होंगे, इसी उथल पुथल के बीच की पिस्टन ऊपर हो रही है, पिस्टन नीचे हो रही है, वहां पर एक अवस्था ऐसी आती है कि जब प्रति सेकंड गैस के जितने अणु द्रव में परिवर्तित हो रहे होते हैं, प्रति सेकंड उतने ही अणु द्रव के गैस में परिवर्तित हो रहे होते हैं। मैं बोलूंगा इस अवस्था को क्या, साम्यावस्था। किसके बीच साम्यावस्था है भाई, गैस और द्रव के बीच। तो गैस और द्रव के बीच साम्यावस्था का मतलब क्या है कि प्रति सेकंड गैस के जितने अणु द्रव में परिवर्तित हो रहे हैं, प्रति सेकंड द्रव के उतने अणु गैस में परिवर्तित हो रहे हैं, मींस गैस द्रव के साथ साम्यावस्था में। अब आप समझो सिंपल सा व्यंजन करने में स्टार्ट होता है, सबसे पहले तो आपको स्थिर करना होगा। क्या कहता है हिंदी का नियम, स्थिर ताप पर द्रव के साथ, ये साम्यावस्था में कौन है, गैस है। स्थिर ताप पर द्रव के साथ साम्यावस्था में कौन है, ऊपर गैस है। तो साम्यावस्था में स्थिर ताप पर जो गैस का दाब लग रहा है इसके ऊपर, गैस का आंशिक दाब, कोई गैस द्रव के साथ क्या है, साम्यावस्था में है। गैस क्या लगा रही है, इसके ऊपर दाब लगा रही है। तो जो गैस का दाब है, आंशिक दाब समझते हो, आंशिक दाब का मतलब यहां पर अगर वायु भी है और यहां पर गैस भी है, तो पिस्टन को कंप्रेस करने पर वायु भी दाब डालेगी और ये गैस भी दाब डालेगी, दोनों दाब डालेगी। तो कुल दाब में, कुल दाब मान लिया 700 mm का पड़ रहा है, 700 mm, तो 700 mm में वायु की वजह से कितना है, 400 mm, और गैस की वजह से कितना है, 300 mm। तो कुल दाब में जो वायु का हिस्सा है वो कहलाएगा वायु का आंशिक दाब, और कुल दाब में जो गैस का हिस्सा है वो गैस का आंशिक दाब। ठीक है, तो मैं आंशिक दाब की बात कर रहा था, किसका आंशिक दाब देखना है आपको, आपको देखना है गैस का आंशिक दाब। तो स्थिर ताप पर द्रव की सतह पर गैस का आंशिक दाब पी, समानुपाती होता है काय के, इस द्रव के अंदर गैस के मोल प्रकाश के। तो x क्या है, x है द्रव के अंदर, देखो मैं लिख देता हूं यहां पे, कि मैंने क्या बोला था, गैस का द्रव की सतह पर आंशिक दाब। ठीक है, गैस का द्रव की सतह पर आंशिक दाब। x क्या है, गैस का मोल प्रभाज, गैस का मोल प्रभाज। तो गैस का द्रव की सतह पर आंशिक दाब, स्थिर ताप पर गैस का द्रव की सतह पर आंशिक दाब पी, विलयन में उपस्थित गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। चलो मैं एक चीज और यहां पे इन चीजों को भी क्लियर करता हूं, तो समझ में आ गया होगा, गैस का आंशिक दाब समझ रहे, कुल दाब में जो गैस के दाब का हिस्सा है वो गैस का आंशिक दाब। ऐसे ही गैस का मोल प्रभाव समझिए क्या है, इस चीज को थोड़ा समझ लें। मान लिया ये विलयन है, विलयन में क्या, सपोज कि जल के अंदर, ठीक है, वाटर के अंदर गैस को घोला गया था, वाटर के मोलों की संख्या मान लिया कितनी, WN मान लेता हूं, गैस के मोलों की संख्या कितनी, GN मान लेता हूं। तो कुल मोल कितने हो गए, WN प्लस GN, मतलब गैस के मोल प्लस वाटर के मोल। तो गैस के मोलों की संख्या, गैस के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम बोलते हैं गैस का मोल प्रभाज। इसका उल्टा कह सकते हो, ऊपर WN लिख लो, मतलब जल के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को बोलेंगे जल का मोल प्रभाज। समझ में आ रही बात, कोई विलयन है, विलयन के अंदर जल के कितने मोल हैं, वाटर के WN, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, गैस के कितने मोल है, GN, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अब जल के अणुओं की संख्या बटा इन दोनों को जोड़ दिया मैंने,
इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, देखो प्लस किया हुआ है, तो जल के अणुओं की संख्या बटा कुल अणुओं की संख्या, ये हो गया जल का मोल प्रभाज। और यहां पर मैंने लिखा गैस के अणुओं की संख्या बटा कुल अणुओं की संख्या, तो ये क्या हो गया गैस का मोल प्रभाज। तो गैस का मोल प्रभाज समझ में आ गया, गैस का आंशिक दाब समझ में आ गया। तो भैया अब यहाँ पे नियम हमारा खत्म भी हो चुका है। क्या नियम कहता है, स्थिर ताप पर गैस का द्रव की सतह पर आंशिक दाब P विलयन में उपस्थित गैस के मोल प्रभाज x के समानुपाती होता है। मतलब ये दाब बढ़ेगा तो यहाँ पर ये गैस है ना, यहाँ पर गैस के मोलों की संख्या बढ़ जाएगी। ये दाब घटेगा तो यहाँ पर देखो भाई इसके अंदर ये गैस, दाब बढ़ाने से क्या हो रहा है, दाब बढ़ाने से ये गैस इसे यहाँ पे आ रही है, दाब बढ़ाने से ये गैस यहाँ शिफ्ट हो रही है, नीचे आ रही है। तो अगर दाब अधिक हो जाएगा तो यहाँ पर गैस के मोलों की संख्या बढ़ जाएगी, दाब कम हो जाएगा यहाँ पर गैस के मोलों की संख्या कम हो जाएगी। यही भैया नियम है किसका, हेनरी का नियम। तो पी हो गया गैस का द्रव की सतह पर आंशिक दाब, एक्स गैस का मोल प्रभाज। मैं नियम को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप तो आप कर ही लोगे। समानुपाती का चिन्ह अगर हटा देते तो इस तरह के आ जाएगा के एच इंटू एक्स। इस तरह सवाल को लिखा जा सकता है, जहां पी क्या हो गया लिखा हुआ है गैस का द्रव की सतह पर आंशिक दाब, एक्स क्या है गैस का मोल प्रभाज, और के एच हेनरी स्थिरांक है, हेनरी स्थिरांक होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ठीक, तो अब यहां पर हम इस नियम की बात करते हैं, हमने पढ़ लिया अभी, समझा लिया आपको। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ऐसा नहीं कि आप दाब बढ़ाते चले जाओ और क्या होगा गैस घुलती चली जाएगी, दाब हमेशा बढ़ाते रहोगे गैस हमेशा घुलती रहेगी, दाब बढ़ाते चले जाओगे गैस की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, ऐसा नहीं। कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में हेनरी का नियम फेल हो जाता है, वहां पर अप्लाई नहीं हो पाता। नंबर एक, ताप अत्यधिक कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ताप अत्यधिक कम नहीं होना चाहिए, ताप अगर बहुत कम होगा तो फिर ये नियम फॉलो नहीं होगा। दूसरी बात, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, है ना, मैंने कहा ना अगर बढ़ाते चले जा रहे हो अगर बहुत ज्यादा दाब हो गया, एक सीमा से अधिक हो गया तो फिर ये नियम लागू नहीं होगा। ताप कम होगा, बहुत ज्यादा कम हो गया तो नियम लागू नहीं होगा, दाब बहुत ज्यादा हो गया तो भी नियम लागू नहीं होगा। एक और घटना होती है, जो गैस है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और ये बिलियन के अंदर जाके क्या हुआ, अभी तो चार मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, बिलियन के अंदर जाके चारों मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गए, एक में बदल गए, चार बदल गए एक में, ये अवस्था कहलाती है संघूर्णन। क्या कहलाएगी, दूसरा एक मॉलिक्यूल था और बिलियन में जाके वो टूट गया, कितने में, चार में, ये अवस्था कहलाती वियोजन। ठीक है, तो कंडीशन है कि गैस के मॉलिक्यूल्स का बिलियन के अंदर संघूर्णन भी नहीं होना चाहिए, वियोजन भी नहीं होना चाहिए। अगर गैस का द्रव के अंदर संघूर्णन या वियोजन हो गया तो फिर यह नियम लागू नहीं होगा, संघूर्णन वियोजन नहीं होना चाहिए। तो ये तीन सीमाएं हेनरी का नियम हो गया, मैथमेटिकल रूप हो गया। नोट्स में आपको पीडीएफ में दे दूंगा, आपको नहीं मिले तो ले लीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, तो पीडीएफ में आपको दे दूंगा। तो अभी देखिए क्या है, तीन कंडीशन होगी, ताप बहुत ज्यादा होगा तो नियम एप्लीकेबल नहीं होगा, ताप बहुत अधिक होगा तो भी एप्लीकेबल नहीं होगा, संघूर्णन वियोजन हो गया तो भी नियम लागू नहीं हो पाएगा। अब इसकी कुछ व्यवहारिक बातें देखते हैं, हमारे दैनिक जीवन में कहां इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखो बहुत अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, कोरोना के चक्कर में नहीं पी पा रहे हैं, वैसे कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं हम लोग ना, थम्स अप पेप्सी लिमका व्हाटएवर जो भी सोडा कोई भी बॉटल आप खोलो, तो जैसे इसकी कैप हम खोलते हैं क्या होता है, गैस निकलती है बाहर। मतलब इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक है क्या है, वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तो घुली हुई है, कार्बोनेट पानी पी रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई है, दाब हाई प्रेशर पे अत्यधिक दाब पर हम इसे पैक करते हैं, तो दाब अधिक होने के कारण ये गैस फटाफट से इसके अंदर घुल जाती है, ढक्कन कर दिया जाता है पानी, तो उच्च दाब पर CO2 गैस पानी में घुली हुई है, तो कोल्ड ड्रिंक। अब आपने इसका ढक्कन खोला, दाब कम हो गया, जो गैस अधिक दाब के कारण यहां घुल गई थी दाब कम होते ही वो गैस इस पानी को छोड़ के बाहर निकलने शुरू हो जाएगी। ये कारण कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल से गैस निकलती है, वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड।
अब मैं इसके कुछ दैनिक जीवन में उपयोग बताता हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला समुद्री गोताखोर। समुद्री गोताखोरों पर भी ये नियम लागू होता है कि समुद्री गोताखोर जब समुद्र के अंदर जाते हैं तो पीठ पर वो सिलेंडर लेकर जाते हैं, सांस लेने के लिए, श्वास लेने के लिए सिलेंडर लेके जाते हैं और उस सिलेंडर के अंदर द्रवित वायु को भरा जाता है। द्रवित वायु भरी जाती है। द्रवित वायु का मतलब लगभग 78% वहां पर क्या होती है, नाइट्रोजन, मोटा मोटा लिख लेते हैं, लगभग 21% क्या होती है, ऑक्सीजन ना, बाकी सबके बारे में नहीं लिख रहा हूं। अब आपको पता है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे, भाई मैं यहां पर हूं तो यहां से ऊपर क्या है मेरे वायु में, वो क्या कर रही है, मेरे ऊपर दाग डाल रही है। अगर मैं और ऊंचाई पर चला जाऊं तो ऊपर वायु, जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा ना वायु घटती चली जाएगी, क्योंकि मैं लेवल पे खड़ा हुआ हूं तो सारी की सारी वायु मेरे सर पे है। अब अगर मैं छत पे चला जाऊं, है ना, 3 मंजिल 3 स्टोरी मकान है मेरा, मैं छत के ऊपर चला जाऊं अगर, तो क्या होगा, जो 3 मंजिल के नीचे की वायु है वो मेरे ऊपर दाब नहीं डालेगी, 3 मंजिल के ऊपर जो वायु है वो दाब डालेगी। ऊंचाई पे जाने पर वायु कैसी हो गई मेरे ऊपर, कम हो गई, तो वायु का दाब भी कैसा हो गया, कम हो गया। पहाड़ों पर जाएंगे ना दाब कम होता चला जाएगा, गहराई में जाएंगे क्या होगा, दाब बढ़ता चला जाएगा। एक व्यक्ति छत पे खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति सड़क पे खड़ा हुआ है, तो सड़क पे खड़ा हुआ है उसके ऊपर वायु दाब ज्यादा होगा, तो छत पे खड़ा हुआ है उसमें वायु दाब कम होगा। प्रिंसिपल यहां लागू हो जाता है, जब वो समुद्र के अंदर जाता है गहराई बढ़ती है, गहराई में जाता है, गहराई में जाता है दाब बढ़ जाता है। अब दाब बढ़ने से क्या होगा, वायु के अंदर N2O2 है और ये सामान्य अवस्थाओं में ये दोनों ही ऐसे हमारे रक्त के अंदर मिले नहीं होते, बहुत कम मिले होती है, ना कि बराबर। जब गोताखोर अंदर समुद्र की गहराई में सांस लेता है तो ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन अंदर जाती है और दाब अधिक होने के कारण ये नाइट्रोजन हमारे रक्त में विलय हो जाती है, क्योंकि दाब बढ़ने से विलयता बढ़ गई ना, ठीक है। तो गहराई में जाएंगे दाब अधिक हो जाएगा और वहां पर जब वो गोताखोर सांस लेगा, श्वास लेगा, तो ये नाइट्रोजन हमारे रक्त में विलय हो जाएगी, द्रव में बदल जाएगी रक्त के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब उस गोताखोर का मिशन कंप्लीट होगा बाहर आएगा, बाहर आने का मतलब समझ रहे हो, गोताखोर पानी से बाहर आ रहा है, मतलब दाब धीरे धीरे कम हो रहा है। अब जैसे ही दाब कम होगा तो जो N2 ब्लड के अंदर द्रव के रूप में थी वो दोबारा बुलबुलों में बदल जाएगी, मतलब कोल्डिंग बॉटल दिखाई दी, अधिक दाब पे द्रव है, कम दाब पर गैस, ऐसी अधिक दाब पर N2 द्रव में बदल के मिक्स हो गई ब्लड में। अब ऊपर आए, दाब क्या हुआ, ऊपर आने पर दाब कम हुआ, दाब कम हुआ तो जो रुधिर में क्या थी, N2 द्रव के रूप में थी, वो कायम बदलेगी गैस में, समझ रहे हो। ऊपर जाने पर दाब क्या होगा भैया, कम होगा, कम होगा तो नीचे जो N2 द्रव में बदल गई थी, ब्लड में मिक्स हो गई थी, ठीक है, रुधिर के अंदर जो N2 द्रव में बदल के मिक्स हो गई थी, अब बंदा ऊपर जाएगा तो N2 कायम कर देगी गैस में, तो रुधिर वाहिनियों में वो जो N2 गैस है, छोटे छोटे N2 गैस के बुलबुले जैसे बन जाएंगे, ब्लॉकेज भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है व्यक्ति की, बहुत रिस्की रहता है, मृत्यु ब्लॉकेज कुछ भी नहीं होगा, बाहर आएगा ना तो ज्वाइंट में बहुत ज्यादा पेन होगा, इस अवस्था को बैंड बोलते हैं, कई दिनों तक तकलीफ रहता है और परमानेंट गोताखोर जो होते हैं ना बहुत बीमारी रहती है, बैंड्स, इसे ही बैंड्स बोला जाता है, ठीक है, क्लियर होगी बात। ये बैंड वाली स्थिति किसके लागू होती है, हिंदी के नियम की वजह से ऐसा होता है, हिंदी के नियम के आधार पर मैं एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसका उपाय क्या है, उपाय भी बता देता हूँ, चलो आपको एक मिनट और लगेगा। तो गोताखोर आजकल क्या करते हैं कि जो वायु प्रदेश में 11.2% नाइट्रोजन को कम करके 11.2% क्या बढ़ा दी जाती है, हीलियम बढ़ा दी जाती है, मतलब ऑक्सीजन जितनी है उतनी रहेगी, बाकी गैसें जैसे वैसी रहेंगी। N2 को हम 11.2% कम करके 11.2% क्या हीलियम बढ़ा देते हैं, इससे क्या होता है ब्लड के अंदर N2 की मात्रा कम हो जाती है, तो तकलीफ थोड़ा कम हो जाती है, वर्तमान में यही उपाय किया जा रहा है। तो गोताखोर सांस लेने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ हीलियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, नाइट्रोजन भी जाती है वहां पे लेकिन हीलियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, 11.7 होते हैं।
ठीक है 8848 ये हो गया माउंट एवरेस्ट, चल गए आप नेपाल में पहुंच गए, ठीक नेपाल पहुंच गए, माउंट एवरेस्ट 8848 ऊपर चढ़ गया। अब क्या होगा जब इंसान यहां पर था गहराई में था, दाब कम था, दाब अधिक था सॉरी, अब वो व्यक्ति जब यहां पहुंचा ऊपर, दाब कैसा हो गया, कम हो गया। अब क्या फर्क पड़ेगा, यहां दाब अधिक होने की वजह से जो हम श्वास लेते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर दिले थी, हम उसका यूज कर लेते हैं, भरपूर ऑक्सीजन हमारे शरीर में उपलब्ध है, हर काम यूज होती है, ऑक्सीडेशन होता रहता है लगातार। अब जब वो व्यक्ति यहां पहुंच जाएगा दाब कम हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन की विलयता रुधिर में क्या होगी, कम हो जाएगी, समझ रहे हो, यहाँ पे अधिक दाब होने के कारण ब्लड में प्रॉपर खूब ऑक्सीजन है जमा हो। जब पहाड़ के ऊपर पहुंच गया दाब कैसा हो गया, कम हो गया। अब ब्लड में ऑक्सीजन की विलयता कम हो गई, ब्लड में जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, उपलब्धता कम हो जाएगी, नतीजा क्या होगा, ब्लड के अंदर अगर ऑक्सीजन कम हो गई तो मतलब शरीर शिथिल पड़ना शुरू हो जाएगा, सोचने समझने की क्षमता क्षीण हो जाएगी, है ना, बहुत ज्यादा तकलीफ में इंसान आ जाएगा। ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, जो लोग पहाड़ों की चढ़ाई करते हैं काफी लोगों की दुर्घटनावश वहां पर ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु भी हो जाती है। तो इस स्थिति को बोलते हैं एनोक्सिया। मतलब एनोक्सिया में क्या होता है, व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है, क्षीण हो जाती है, कुछ नहीं कर पाता, ऑक्सीजन कम हो गई। एक्सप्लेन कर सकते हैं हेनरी के नियम के आधार, तो दो चीजें हेनरी के नियम के आधार पर, एक एनोक्सिया बताया और एक ब्रेंट बताया, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, हम जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उनके अंदर गैस घोली गई है, वो भी हेनरी के नियम के आधार पर घोली गई है, दाब को बढ़ाकर गैस की मात्रा को वहां पर बढ़ा दिया जाता है। तो ये सारी हेनरी के नियम की बातें थी, ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है, कल आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।